आचार्य चाणक्य की कथा। प्रधान अमात्य आचार्य चाणक्य की कुटिया में निर्धनों को बांटे जाने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा दिए गए कंबलों का ढेर लगा हुआ था। चोरों को यह पता चला कि ढेर सारे कंबल आचार्य चाणक्य के यहाँ रखे हैं। उन्होंने आपस में वार्तालाप किया कि कंबल चुरा लिए जाएं। एक दिन रात्रि में वे उनकी कुटिया में पहुंच गए। देखते क्या हैं कि आचार्य चाणक्य और उनकी माताजी धरती पर चटाई बिछाकर पुराने कंबल ओढ़कर सो रही हैं। कंबल बीचों बीच में से फटा है, इस कारण दोनों ठंड से सिकुड़ रहे थे। यह देखकर चोरों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे आपस में एक दूसरे का मुँह देखने लगे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। अंत में एक चोर ने दूसरे चोर से कहा, क्यों न हम लोग इन्हें जगा कर कारण पूछ लें। दूसरा चोर बोला, ठीक है। चोर आचार्य चाणक्य को जगा कर पूछने लगे, हे आचार्य, क्षमा करें, हम लोग कमलों की चोरी करने यहाँ आए थे, किंतु नए कमलों का ढेर होते हुए भी आपको इस प्रकार चित से ठिठुरते देख रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है। आचार्य ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये कंबल उन निर्धनों के हैं जिनके पास इनका अभाव है। उन पर केवल उन्हीं का अधिकार है। यदि मैं इन्हें ओढ़ता तो भी मैं तुम्हारे सम्मान चोर कहलाता। यह बात सुनकर चोरों का मन बदल गया। पश्चाताप की अग्नि में वे जलने लगे और खड़े खड़े रोने लगे। आचार्य ने चोरों को समझाया। तब चोरों ने क्षमा याचना की और भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की तथा फिर कभी भी चोरी नहीं की। सर्वोच्च शासकों में आदर्श प्रियता गंगा की भांति प्रत्येक व्यक्ति के मन को पवित्र करती है। जय आचार्य जी।